जय श्री महाकाल। नमस्ते दोस्तों, सावन का इतना पावन महीना चल रहा है और मैं मेरे महादेव की बात ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग शिवलिंग के ऊपर पानी से, कच्चे दूध से, पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार अपने शुक्र ग्रह को, अपने वीनस प्लैनेट को स्ट्रांग करने के लिए आप शिवलिंग के ऊपर एंड स्पेशली सावन के महीने में गुलाब जल से यानी रोज वाटर से अभिषेक कर सकते हैं। उसी प्रकार समर्स में अगर आप चाहे तो शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से और आम के रस से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप गन्ने के रस से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो उससे आपका बुध ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत होता है और आपके बिजनेस में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हो, अगर आप फाइनेंशियली कहीं पे बहुत ज्यादा फंस चुके हो और अगर कोई भी फाइनेंशियल ग्रोथ का रास्ता आपके सामने नजर नहीं आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप आम के रस से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो उससे आपका गुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत होता है और उससे आपके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। उसी के साथ साथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ एंड संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। और अब सावन का महीना चल रहा है, बरसात है, बारिश है और ऐसे में अगर आप शिवलिंग के ऊपर नेचुरल रेन वाटर से यानी बारिश के पानी से अगर अभिषेक करते हैं स्पेशली सावन के महीने में, तो ऐसे में आपको शिव जी की पूरी कृपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आपके चंद्रमा से जुड़े हुए यानी मून प्लैनेट से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम से उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर चाहे वो लोनलीनेस हो, डिप्रेशन हो, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक्स, हैल्यूसिनेशंस, थायराइड, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स चाहे कोई भी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, वो सारे दूर हो सकते हैं। और चंद्रमा अगर आपका कमजोर है, पीड़ित है, वीक है, आपके कुंडली में किसी भी रीजन से अगर केमद्रुम योग है, अगर विष योग है, ग्रहण दोष है, तो ऐसे में ये सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो सकते हैं हमारे शिवलिंग के ऊपर, हमारे महादेव के ऊपर रेन वाटर से यानी फ्रेश बिल्कुल बारिश के पानी से अभिषेक करके। तो आप सब ने सावन के महीने में एक बार एटलीस्ट शिवलिंग के ऊपर एंड स्पेशली मंडे के दिन रेन वाटर से अभिषेक जरूर करके देखना चाहिए। आपको जो सुकून मिलेगा, मन की जो शांति मिलेगी, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ये जरूर ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगता है ये मुझे जरूर बताइए। जय महाकाल।